दोस्तों कैसे हैं। अभी जो शेयर लेके आया था वो थोड़ा सा ऑयल सेक्टर के लिए लेके आया था। और ब्रेंट क्रूड में अगर मैं देखूँ तो थोड़ा ब्रेंट क्रूड जो अभी चल रहा है आपका, आप देखेंगे करंट चल रहा है ये 53.50 पे चल रहा है और एक अच्छी खासी गिरावट के साथ ये दिख रहा है आपको। ये वीकली पैटर्न है, मंथली पैटर्न है। मंथली पैटर्न में ये कंटिन्यू आपको एक लो की ओर जाते हुए आपको दिखाई देगा और जिसने 65 पे एक क्रुशियल लेवल है वो तोड़ चुका है वो, अभी 53 पे वो काम कर रहा है। तो आगे जा करके अगर आपको जो देखने को मिलेगा, हो सकता है ये आपको आगे और भी लोअर लेवल टच करने की कोशिश करेगा। 44-45 जो है ये लेवल पे वो हो सकता है यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा, जिसकी चांसेस पूरी है। तो एक बार ये जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक बार ये नीचे की और आपको पहले 50 दिखाएगा, 55 से सडन इसको यहाँ से ब्रेक करता है। जैसे 50 ये क्रॉस करेगा तो आपको 45 देखने को मिल जाएगा और ये बोलिंगर बैंड के लोअर पैटर्न को, लोअर पोर्ट को टच करने की कोशिश करेगा। वीकली पैटर्न में देखें तो वीकली पैटर्न में ऑलरेडी जो इसका लो था 54.45 के लोअर पोर्ट को, इसको ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। और तो अब हो सकता है ये नीचे आपको वापस ये और फॉल दिखाने को आपको दिखा सकता है। और अगर मंथली पैटर्न में जाएं तो हो सकता है ये लोअर पैटर्न पे आपको 44 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये तो ब्रेंट क्रूड है। अगर मैं इसी को क्रूड की बात करूं, जो अपना नॉर्मल MCX क्रूड में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो सिमिलर पैटर्न अगर देखें तो अगर इस पर बात करें तो ये अभी चल रहा है 2535 पे चल रहा है और आप देखेंगे इसने भी अपने मिडिल 4000 के लेवल को, बोलिंगर बैंड के लोअर लेवल को मंथली बेसिस पे ब्रेक कर चुका है और ये नीचे पैटर्न पे काम कर रहा है और ये भी सिमिलरली वीकली बेसिस पे इसको तोड़ चुका है। तो दोनों में एक थोड़ी सी हो सकती है कि आपको गिरावट देखने को मिले और हो सकता है कि ब्रेंट कोड आपको यहाँ पे 2556 जो है लोअर लेवल टच करने की कोशिश कर सकता है। तो ऑयल सेक्टर में भी थोड़ा निगेटिविटी है। अगर ये अभी जो पैटर्न ले रहा है, हो सकता है ये आपको 2951 पे पहला सपोर्ट दिखाए धीरे धीरे करके और फिर नीचे ले जा करके आपको यहाँ पे 2500 पे लाए, लास्ट में एक बार ट्राई करके कोशिश करके 2513 जो लोअर बैंड है यहाँ पे एक बार आसपास आएगा और यहाँ से अप लेने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये आपको एक बार नीचे 2500 पे, और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड 44 तक 45 तक हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम चलें, अगर इसी बेस पे अगर ये टूटता है तो हमारा, अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाइज देखूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे परफॉर्मेंस है सेक्टर वाइज है दोनों देखूँ तो, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड जो सेक्टर में काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस, अब उसको देखिए एक बार, भारत पेट्रोलियम को देखिए और इंडियन ऑयल को देखिए। तो ये देखेंगे आप ये 3 साल का रिटर्न जो उसका 27% का है, बट ये कंटिन्यू उसके बाद यहाँ 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव है और अभी तक का रिटर्न भी निगेटिव है, बट अभी कमिंग डे से जब से क्रूड ये नीचे चालू हुआ है ये देखिए ये अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल में। उसी तरह अगर हम देखें तो आप इस दूसरी ओर देखें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पेट्रोनेट LNG, टाइड वाटर, कैस्ट्रॉल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गल्फ ऑयल, गोवा कार्बन, ये सब में आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं 86% 1 ईयर का YTD का देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको परसेंटेज में देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अब देखेंगे यहाँ पे तो 119%, फिर 19% और अभी तक का देखेंगे अगर इसका डेली और वीकली देखेंगे तो डेली बेसिस 2.5% निगेटिव है, वीकली पे निगेटिव है और ये भी 1 मंथ पे भी 0.24 का निगेटिव है। तो ये आपका ऑयल सेक्टर पे है। तो मेनली बेसिस इन सेक्टरों को यहाँ पे आपको फायदा होते देखने को मिल सकता है। बेसिस आप जो परफॉर्मेंस बेस पे आप चाहें इसमें से किसी को जज कर सकते हैं, थोड़ा सा कौन सा आपको लेना कौन सा नहीं लेना उसका आप जजमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस लेवल यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है YTD बेसिस पे, 1 ईयर बेसिस पे, 3 ईयर बेसिस पे। मैं स्पेशली दो इसमें से जिसको मेन दो फायदा होगा और मैं सोचा उस पर एक बार डिस्कस करें, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एक है भारत पेट्रोलियम। ये दो शेयर पे सोचा मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। तो भारत पेट्रोलियम में देखेंगे जहाँ एक और अच्छा ट्रेंड बना हुआ जा रहा है और ये 400 की ओर जा रहा है। आप देखेंगे वेटेड एवरेज वॉल्यूम पर भी ये जो बना रहा है ये 372 का 374%
अच्छा एक अपवर्ड ट्रेंड लेने की कोशिश कर रहा है भारत पेट्रोलियम। और अगर चार्ट पे भी जाकर के भारत पेट्रोलियम को देखें तो देखेंगे ये एक हर लेवल को तोड़ते हुए, आप देखेंगे 334 के लेवल को जो मिडिल लेवल था बोलिंगर बैंड्स को, उसको टच करते हुए ये अब 392 और 411 की ओर अग्रसर है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको ये 392 और 411 भी देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट में अगर निगेटिविटी आएगी, ऑयल नीचे जाएगा, तो आपको इस सेक्टर में हो सकता है अपवर्ड आपको यहाँ से जो आज आपको ये मिल रहा है आपको 374 में मिल रहा, हो सकता है आपको 411 में देखने को मिल सकता है ये भारत पेट्रोलियम। उसी तरह अगर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में थोड़ा सा एक अभी निगेटिव है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज से 1 रुपया नीचे की ओर ये काम कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको फॉल यहाँ पे हो सकता है कि देखने को मिले। बट ऑयल सेक्टर जब जाएगा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, अब भारत पेट्रोलियम का भी सेंटीमेंट अगर देखेंगे तो उसका भी पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। तो इंडियन ऑयल के कंपेरिजन में भारत पेट्रोलियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा है, और इंडियन ऑयल भी कोई निगेटिव नहीं, ये भी पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा हो सकता है इसको पैटर्न पर आपको नीचे की ओर देखने को थोड़ा सा मिल सकता है, तो आपको इसको पोजिशन बनानी चाहिए। और अगर इसी को मैं चार्ट पे जाकर के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देखूं, तो आप देखेंगे ये भी ये जो एक पॉइंट है ये थोड़ा सा उससे नीचे मिडिल 144 जो है 144 के थोड़ा नीचे है, 139 पे काम कर रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी थोड़ा नीचे जाता तो नीचे बाइंग पैटर्न आपके लिए अच्छा है इसमें भी। और हो सकता है ये आपको रिसेंटली आपको पहले 144 दिखाने के बाद 158 और फिर 158 के बाद 163 के रूप में आपको 170 175 तक यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़ा वेट अब जो क्रूड नीचे जाएगा तो हो सकता है ये ऊपर की ओर जाएगा। तो आप इंडियन ऑयल को अगर 6 महीने के लिए बाई करते हैं तो हो सकता है यहाँ से आपको 175 भी देखने को मिल सकता है। एमएससीडी लाइन पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में एमएससीडी आपको शो कर रहा है, ये देखिए अपर ट्रेंड शो कर रहा है, तो निगेटिविटी है नहीं इसमें एम में। और अगर उसी तरह आपको बीपीसीएल में भी दिखाएं तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका कर्व बन रहा है। तो बीपीसीएल ज़्यादा है, आईओसी दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भारत पेट्रोलियम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल बन रहा है। तो आप भारत पेट्रोलियम को आप 392 के टारगेट, 394, 411 अपर टारगेट आपको देता हूँ। अभी ये चल रहा है 374 रुपये, और 411 के लिए आप इस पर सोच सकते हैं क्योंकि क्रूड नीचे जाएगा। ऐसे भी अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देखेंगे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी, जो थोड़ा सा कर रहा है। और 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 37 साल का, 5 साल का देखेंगे तो 71%, 10 साल का 249%, लेकिन करेंट कुछ आप देखेंगे यहाँ पे 1 ईयर का 3% और निगेटिव है। यहाँ 1 ईयर से आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप 1 ईयर का रिटर्न देखिए, इसका थोड़ा निगेटिव देखने को मिल रहा है। और बट आप इसका शेयर होल्डिंग परसेंट भी देखेंगे तो ये प्रेजेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट की कंपनी 56% है। FII इसमें बाइंग पोजीशन बढ़ा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां भी इसमें बाइंग पोजीशन बढ़ा रही है, कांस्टेंट है। वही बीपीसीएल की बात करूँ तो बीपीसीएल आप कंटिन्यू देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए बीपीसीएल 1 मंथ में भी रिटर्न दे रहा है, 1 वीक में भी रिटर्न अच्छा दे रहा है, 3 साल में भी है, 5 साल में भी, 10 साल में, और ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, उसी से ज़्यादा अच्छा बीपीसीएल दिख रहा है। और कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पे 397 का भी टारगेट दिया हुआ है, 29 अक्टूबर को दिया हुआ था, और ये परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म सेक्टर बाय 3.25%। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक हैज बीन गेनिंग फॉर लास्ट 8 डेज, हैज रिजन फॉर 8 दिन में ये 15% से ऊपर जा चुका है, और ये मूविंग स्टॉक ट्रेडेड हाइयर देन 5 डेज, 20 डेज, 100 सब मूविंग एवरेज से ऊपर की ओर बाय कर रहा है। निफ्टी हैज फॉलन बाय, निफ्टी फॉल कर रही है, वो फॉल कर रही है, इसमें भी आप देखेंगे शेयरहोल्डिंग परसेंट में तो यहाँ पे प्रमोटर का भी देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको बाई किया है बीपीसीएल को, 53.89 से 53.90.04% का बीपीसीएल में गवर्नमेंट ने भी बाई किया हुआ है। तब ऑयल सेक्टर पे ध्यान रख सकते हैं,
ब्रांड कोड नीचे की ओर आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये लोअर लो आपको 44 तक भी 45 तक भी देखने को मिलेगा। क्रूड आपको वापस नीचे की ओर देखने को मिल सकता है, 2556 तक देखने को मिल सकता है। अगर ये मिलेगा तो आपको इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब में आपको पोजीशन बना करके हो सकता है कि आपको फायदा की ओर आपको होगा। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम उसमें ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, तो आप जैसा चाहें, ये सारे एजुकेशनल पर्पज से हैं। बाकी आप अपने पेपर पोजिशन, पेपर ट्रेडिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख के बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।